दोस्तों, तो UPSC का जो पेपर था आज का, ठीक है, जो पहला जनरल स्टडीज़ का था, उसका मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चन थे, उसके बारे में पूरे डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से। लेफ्ट साइड में जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो हिंदी में दिया गया है, और राइट साइड में जो है कि इंग्लिश में, जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तो किस लेवल का है, ठीक है। तो आपको पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा। आप चलते हैं दूसरे पेज में, ठीक है। दूसरे पेज में जो सात से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या लेवल है, और अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आने वाले पेपर में आप समझ जाएं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको, किस लेवल तक का क्वेश्चन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 11 क्वेश्चन हुआ, बार बार से आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरिटी के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आएगा, आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियरिटी के साथ दिख रहा होगा। दोस्तों देख सकते हैं कि क्या लेवल है इसका क्वेश्चन का। ये UPSC का जो पेपर 11 अक्टूबर जो, मतलब कि आज जो हुआ है, ये उसका है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ 1 जो पहला पेपर है, ठीक है। दूसरा पेपर अभी बाकी है होने को, तो आप देख सकते हैं जैसा पेपर आता है मैं आपको उसका भी भेज दूंगा। तो आपको जिससे कि बता सकते हैं कि इसमें 150 क्वेश्चन आए थे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आपको 50 तक का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम 50 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके हिसाब से अपना प्रैक्टिस कीजिएगा क्लियरिटी के साथ।